नमस्कार, आईवी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बांडवाल। बिहार 12th बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। इसको लेकर खुद बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने आज रिजल्ट की घोषणा कर दी। ऐसे में बताएं तो आपको बिहार के 12th बोर्ड एग्जाम में कुल 83.7% छात्र सफल हुए हैं, लेकिन वही बात बिहार की बेटियों की करें, बिहार की छात्राओं की करें तो उन्होंने छात्रों के मुकाबले अपना परचम लहराते हुए तीनों संकायों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी कि तीनों आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में सबसे टॉपर लिस्ट में बिहार की बेटियों का नाम है। सबसे पहले बात साइंस की करें तो साइंस में खगड़िया जिले से आयुषी नंदन ने 94.8% अंक लाकर वो टॉपर रही हैं। वहीं कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में औरंगाबाद जिले से सौम्या शर्मा, उन्होंने 95% अंक लाकर वो प्रथम स्थान पर रहीं। वहीं आर्ट्स में पूर्णिया जिले से मोहा दिशा ने 95% अंक लाया है और वो प्रथम स्थान पर रही हैं। यानी कि एक बार फिर से बिहार की बेटियों ने बिहार का नाम रोशन किया है और छात्रों के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड का 12th बोर्ड का जो रिजल्ट का परिणाम था, इसके काफ़ी लंबे समय से छात्र इंतजार कर रहे थे कि कब उनके रिजल्ट की घोषणा की जाएगी, क्योंकि एक जिले से 28 परीक्षार्थी जो थे वो टॉपर रह गए थे। इस वजह से फिर से रीवेरिफिकेशन किया गया, फिर से जांच की गई कॉपियों की और फिर से 19 मार्च को उनका टेस्ट लिया गया था, जिसके बाद परीक्षा विभाग ये तय कर पाने में सफल हुआ कि आखिर कौन जो है वो टॉपर की सूची में शामिल होगा। वहीं इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दी है BSEB के अध्यक्ष आनंद किशोर ने, चलिए वो भी सुनाते हैं। टॉपर सूची भी आज माननीय मंत्री महोदय द्वारा जारी की गई है और इस सूची के अनुसार तीनों ही संकायों में विज्ञान, कला और वाणिज्य तीनों में छात्राओं ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है और वाणिज्य संकाय में एक छात्रा और एक छात्र ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विज्ञान में सुश्री आयुषी नंदन ने पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है, जिन्हें 474 अंक प्राप्त हुए हैं, जो 94.8% है। इसी प्रकार कला संकाय में पूर्णिया जिले की मोहत देसा ने पूरे राज्य में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है, जिन्हें 475 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कुल अंकों का 95% है। और वाणिज्य संकाय में सुश्री सौम्या शर्मा और श्री रजनीश कुमार पाठक ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इन्हें भी 475 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कुल अंकों के 95% है। इस प्रकार आज जारी किए गए परीक्षा फल के अनुसार देश में सबसे पहले बिहार बोर्ड ने लगातार 5वीं वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया है और इसमें कई प्रकारों के नए प्रयोग और परिणाम भी बिहार बोर्ड द्वारा इस वर्ष लागू किए गए हैं। दरअसल बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 का रिजल्ट मंगलवार यानी कि आज घोषित कर दिया गया और ऐसे में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने परीक्षा परिणाम जारी किया। आपको बता दें कि ये परीक्षा 1 फरवरी से 11 फरवरी 2023 तक ली गई थी, जिसमें कुल 13,18,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे और ऐसे में छात्रों के सफल होने की बात करें तो 83.7% छात्रों ने सफलता हासिल की है, जिसमें से छात्राओं का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है और तीनों संकायों में छात्राओं ने अपना परचम लहराने का काम किया है। इस खबर में इतना ही, बाकी के तमाम खबरों के लिए बने रहें आईवी टीवी के साथ, धन्यवाद। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, टफकॉन XT के साथ।